के इस मंदिर में 108 बार परिक्रमा करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है ना? तो ठीक है, आज मैं आपकी 1008 बार परिक्रमा करूंगी। कृष्ण के साथ जो कुछ भी हो अच्छा ही हो। कसम के दबाव में ही सही, वो मेरे अंश से दूर तो रहेगी, लेकिन अंश के बीमार पड़ने की वजह से सब उल्टा हो गया। कृष्ण इस बात का फायदा जरूर उठाएगी और सबके सामने अपनी मजबूरी का तमाशा करके सबको अपनी तरह करेगी, सब लोग खुद ब खुद से अंश के पास ले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंश कभी मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे इसका कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हे भगवान, कृष्ण और क्या क्या चाले चलेगी मेरे बच्चे के मन से छीनने के लिए। पता नहीं कहाँ चली गई त्रिशना, मेरा तो जी बैठा जा रहा है। आ जाएगी दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं त्रिशना को फिर से फोन लगाता हूँ। हे भगवान, परेशानी पे परेशानी दिए जा रहे, इधर अंश को होश नहीं आ रहा और त्रिशना ना जाने कहाँ चली गई। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। अमर बेटा, कब से त्रिशना को फोन लगा रहा हूं, वो उठा ही नहीं रही। मामा जी, मैंने भी फोन किया था, वो अपना फोन अपने कमरे में ही भूल गई है। फोन भी लेके नहीं गई। इस तरह अचानक कहां जा सकती है त्रिशना? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं इन हालात के आगे हार मानकर त्रिशना ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। ये क्या कह रहे हैं आप, शुभ शुभ बोलिए ना। नहीं जीजा जी, त्रिशना ऐसा नहीं कर सकती। एक बार पहले भी हमने उसके बारे में ऐसा सोचने की गलती की थी। अमर बेटा जी, तुम जाओ ना बाहर,
ढूंढ के आऊंगा तृष्णा को। ठीक है मां। कृष्णा बेटा कहाँ थी तुम? कृष्णा कम से कम अपना फोन तो साथ में लेके जाती। हाँ बोलो बेटा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अमर बेटा तुम जाओ ना बाहर, ढूंढ के आओ ना कृष्णा को। ठीक है। कृष्णा कृष्णा बेटा कृष्णा बेटा कहाँ गई थी तू? कृष्णा बेटा कहाँ थी तुम? कृष्णा कम से कम अपना फोन तो साथ में लेके जाती। हाँ बोलो बेटा। कृष्णा 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 भगवान कैसे छाले पड़ गए इसके पाँव में। कृष्णा बेटा हे भगवान क्या हालत बना रखी है इसने अपनी। लगता है इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ? नहीं दीदी इसकी जरूरत नहीं है। दीदी देखो कृष्णा को होश आ रहा। कृष्णा भगवान का लाख लाख शुक्र है कृष्णा को होश आ गया। कृष्णा तुम ठीक तो हो ना? बस बस लेटे रहो बेटा। मैम एक कलश लेकर आई थी मैं। हाँ बेटा ये रहा। ये क्या है कृष्णा? भैया इसमें चरणामृत है, इसके तीन चार बूंदे अंश के मुंह में डाल दीजिएगा। ये सब तो ठीक है कृष्णा, लेकिन लेकिन तुम ऐसे कहां चली गई थी और वो भी बिना बताए? मैं शिवजी के मंदिर गई थी मैं। अंश के लिए प्रार्थना करने। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये पैरों में छाले कैसे पड़ गए? वो मैंने 1008 बार परिक्रमा की थी। क्या 1008? कृष्णा बेटा ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें और क्या करती? पापा जी अपने अंश की हालत देखी ना। होश ही नहीं आ रहा, लेकिन अब देखिएगा अंश को बहुत जल्दी होश आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। भैया प्लीज उसे जल्दी से ये चरणामृत पिला दीजिए। बेटा ये सुन जी, अब मेरी चिंता मत कीजिए। अंश ठीक हो जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी।
शिवजी के मंदिर का चरणामृत है। ये चरणामृत आपको कहां से मिला? तृष्णा लाई। ये चरणामृत आपको कहां से मिला? तृष्णा लाई। तुम्हें पता है अल्पा, शिवजी के मंदिर की 1008 बार परिक्रमा की तृष्णा ने, उसके पैरों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसने प्रार्थना कभी नहीं छोड़ी। तुम देखना, उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारे अंश को बहुत जल्दी होश आ जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अंश को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होश आ गया है, ये मैं तृष्णा को भी बता देता हूं। मां, पापा, हंस को होश आ गया। लाख लाख शुक्र। आज भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। चलिए जीजा जी, अंश को देखते हैं। हाँ हाँ, लगता है उसकी आवाज सुने बरसों बीत गए। चलिए चलो, चलो, चलो। सही कह रहे हो राजबिहारी। अरे राजबिहारी, अंश के ठीक होने की खुशी में क्यों ना एक बाजी शतरंज की हो जाए। बस शुरू हो गए फिर से आप। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इनकी शतरंज वही रहेगी। जीजा जी, दे दिया ना दीदी को बोलने का मौका। राजबिहारी, अरे तुम मेरी तरफ हो कि इनकी? अरे दीदी, मैं तो आप ही की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरी मजाल, मैं आपकी बात काट सकूं?
माँ मेरी चाय भी है। हाँ ये रखिए ना, ठंडी हो रही है। अंश उठ गया? हाँ मामा जी उठ गया, पर थोड़ा उदास सा है। कोई बात नहीं बेटा, एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंदिता, अंश की हालत ने तो बहुत दुखी कर दिया था। मासूम सा बच्चा जो घर में उछलता कूदता रहता था, कितनी रौनक रहती थी। उसे बिस्तर पर पड़ा देखकर मन बहुत विचलित हो जाता था। अब तो वो ठीक हो गया है। आखिर तृष्णा की भक्ति ने असर दिखाई दिया है। भक्ति के साथ साथ ममता भी तो थी रास बिहारी। सच कहें तो आज तृष्णा की वजह से ही अंश की जान बच गई है। तुमने मां होने का फर्ज अदा किया है बेटी। तुम लोगों के सामने एक मिसाल बन गई हो कि मां क्या होती है। हाँ बेटा, हमारा तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर थोड़ा बहुत आशीर्वाद बच गया हो तो मुझे भी दे दीजिए मां जी। ऐसे क्यों देख रही हैं? आशीर्वाद नहीं देंगे मुझे? क्यों नहीं दूंगी बेटा, तुम दोनों में कोई फर्क थोड़ी ही मेरे लिए। पर आशीर्वाद देने से पहले उसकी वजह जान लीजिए। अंश के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहती हूं कि फिर से हो। मैं अपने बच्चे के साथ चैन से जीना चाहती हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और अंश इस घर में नहीं रहेंगे।